वो देखो कितने भागे भागे आए हैं। अरे अरे भाई किससे पूछा तुमने बैठने के लिए? चलाने लगा, जेल हो जाएगी, ये ध्यान रखना, जाना जेल में बैठा होगा, जेल हो जाएगी भाई। क्या हुआ? GoPro का गिव अवे हो रहा है भाई, और जिसने मोटो व्लॉगिंग करनी है आराम से कर सकता है, जिस चीज ने मुझे बनाया। विराम मत देना बाइक को। ये बाइक कौन सी है, नाम बताओ इसका, आपको क्या है? क्या आराम से आराम से देखो कितने राइडर्स हैं, और ये सारे संडे राइड पे ही आए हुए हैं, लगा लो भाई बहुत ज्यादा। बारी आती है यहाँ पे हमें, मैं ग्राफ आपको जूम करके दिखा रहा हूँ प्रॉपर की आपको क्लियर नजर आए। हम करेंगे ग्राफ पे क्लिक, यहाँ पे माउंटेन लाइन कैंडल बार मिल जाता है, हमने माउंटेन पे क्लिक करा, देन ये ग्राफ देखो चेंज हो गया। उसके बाद बारी आती है पैसे इन्वेस्ट करने की, हम करेंगे अमाउंट पे क्लिक, देन आज हम करने वाले 3500 इन्वेस्ट, देन ग्राफ पूरा जूम है, हमें ग्राफ को देख के ये प्रिडिक्ट करना होता है ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे, हमने ऊपर जाएगा, हमने अप पे क्लिक कर दिया, देन हम वेट करते हैं कि ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे। फाइनली हमने अर्न कर लिया 6405 रुपये। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे हम टूर्नामेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके मनी अर्न कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो मेरे लिंक से जाएगा उसका मिलेगा $1000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। पहले आप सीख लें, उसके बाद आप रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड करें, तो आपका लॉस भी हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता आपका लॉस हो। फटाफट जाओ और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। रंधावा साहब अब चलाने लगे हैं BMW और मैं चलाऊंगा Z1000। यहाँ पे देखो कितने बाइकर्स हैं और जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो बाइकर्स ही बाइकर्स भाई, ये भी बहुत लाउड है यार। शायद हम बना रहे थे बाइक पे वीडियो और इधर सुंदर सुंदर बच्चे आ गए हैं, वो देखो कितने भागे भागे आए हैं। अरे अरे गिरा मत देना बाइक को, बेटा चला लोगे बाइक, चला लोगे? नहीं चला लोगे ना? ये देखो बाइक गट्स देखो, क्या बोल रहा तू? नहीं चला पाएंगे, नहीं स्कूटी तो है ये, और क्या स्कूटी है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको सबको मिलेगा। सबसे ज्यादा छोटा कौन है? ओ भाई इंजन के ऊपर पैर रख रहा है, देखो इधर आओ, इधर आओ, पैर दिखाओ इनका कहाँ पे। ओए 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 सड़ जाएगा पैर, सड़ जाएगा तुम्हारा। अरे सड़ जाएगा भैया, बच्चों मेरी बात सुनो, पकड़ के बैठ जाओ, उड़ जाएगी भाई, उड़ा दूं भाई, देख लो उड़ जाएगी। ये देखो बच्चा कितना शैतान है, क्या बोल रहा है, कह रहा तेज से भगाओ। इन्होंने रेलगाड़ी बना दी है, मजा आया बच्चों? तो मेरे भाई ये देखो मेरी हुडी बैठ गए बच्चों, तो भाई इनको एक और झूला दे देते हैं, बच्चों को खुश हो जाए। अभी ले तो लिया आपने, कौन चला लेता सबसे पहले, कौन चला लेगा? चला चला पूरा चला। तेरी एज उम्र कितनी है? तेरी उम्र तुम भी बैठो भैया, कितनी है? 14 साल भाई इसकी, 14 साल एज है, ये बाइक चलाने लगा, जेल हो जाएगी, ये ध्यान रखना, जाना जेल में बैठो भाई, इसको चलाओ जेल हो जाएगी भाई इसको। क्या हुआ, क्या हुआ?
जेल हो जाएगी लड़के को, मैं तो दे देता हूँ भाई, चलाओ ये हवा में चले जाएगी जैसे बैठेगा। बैठो बैठो, क्या वो कुत्ता ना वाट लगी थी आगे मैंने। अरे तू क्यों नाराज हो रहा है, बच्चे जान पहचान के आ गए तेरे। बच्चों ये बताओ कितने की होगी ये बाइक? 1,70,000 की। 1,70,000 मतलब 70,000 की, 1,70,000। और बच्चों तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके अंदर? कितने की होगी? 2,10,000 की। ठीक है, और तुम? 100,000 की है। 100,000 की? 4,06,000 की। 4,06,000 रुपए की। लगता है ये लड़का काम कर रहा है मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा ये बाइक कौन सी है, नाम बताओ इसका, को क्या है? करिश्मा। क्या क्या नाम है बाइक का बेटा? बच्चों ऊंची ऊंची बोल के बताओ। करिश्मा या करिश्मा? करिश्मा। कौन सी कंपनी की बाइक है ये? कौन सी? गजब बेइज्जती है। मेरे भाई एक और बाइक है, वो भी लेके आऊं? चलो पहले रेट लगाओ उसका, फिर लेके आता हूँ। क्यों जी? Hey guys, what's up? This is HSB. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। BMW चल रही है आगे, और ये देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो भाई कैसे है। वो कितने सारे राइडर्स हैं, सीरियसली ये देखो कितने राइडर्स हैं, और ये सारे संडे राइड पे ही आए हुए हैं लगा लो। मैंने बोला भाई आराम से चलेंगे अब घर, हम घर जा रहे थे तो मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग कर लेते हैं। हमने प्रॉमिस करा था अपने HSB फैमिली से। देखो ये कैसी लग रही है, बहुत मक्खन है इसके भी गियर पर। क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर की जिसको आदत पड़ जाए ना तो फिर क्लच दबाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। जैसे हायाबुसा में है, अभी परसों की बात है, मैंने BM अपने फ्रेंड को दी, हायाबुसा मैंने पकड़ी, मैं भगा रहा हूँ, दूसरा गियर के ऊपर खींच रहा हूँ, मैं कहा आगे नहीं रहा, गियर ही नहीं आ रहा। ऊपर पुराना मॉडल था, मतलब सेकंड जनरेशन हायाबुसा की, कोई हीटिंग के नज़ारे ले रहा, पूरा हीटिंग लगी हुई है उसमें। फर्स्ट टाइम हमने सोलो करी है, दोनों को बहुत मज़ा आया, इंजॉय करा भाई, राइड करी। और एक्चुअली एक छोटा सा ऐड का शूट था, उसके गए थे शूट पे, लास्ट लोग देखा होगा, और इसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि भाई ये बाइक की हैंडलिंग हो गई और मतलब सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ ओके है, बट ना पावर इसमें ज़्यादा दे दिया है। जैसे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला सीन है। और यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट करा, हमने सैंडविच वगैरह ले लिए थे भाई, बहुत ही मज़ा आया। फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आई थी, मैं गियर डाल रहा था ऊपर विदाउट क्लच दबाए, तो दिक्कत आ गई थी। मतलब थोड़ी सी ना आदत पड़ी हुई है विदाउट क्लच दबाए गियर डालने की। ये देखो वाओ भाई, साउंड बहुत अच्छी है। एक्रापो भी लोग लगवाते हैं या स्लिप ऑन भी लगवाते हैं, तो उससे कि इतनी ज़्यादा लाउड और इतनी ज़्यादा प्योर आवाज़ नहीं आती। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ फुल सिस्टम, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आवाज़ ना, एक मतलब प्योरिटी निकलती है आवाज़ की, क्वालिटी निकलती है, जिसको प्योरिटी नहीं क्वालिटी निकलती है आवाज़ की। हम जा रहे हैं बैक टू टाउन, बैक टू होम। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए अभी संडे राइड्स वगैरह लोग कर नहीं रहे। दो दिन ही हुए हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती को, पहले इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही थी। पर मैं ना रंधावा साहब को कह रहा था, मैं कहा भाई अभी तो खैर ठंड पड़ रही है, जो नेक्स्ट वीक वाला संडे है ना भाई, दिसंबर के एंड में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो मैंने कहा भाई हम संडे राइड कर लेते हैं। हमने वादा करा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ नेक्स्ट वीक हम नहीं जाएंगे। एक चीज़ रह गई है फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर, तो हमें रोड को इतना बढ़िया मिला नहीं कि जिसपे मैं आपको टेस्ट करके बता पाऊँ। कोई दिक्कत नहीं है, और कोई वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम ट्राई करेंगे कोई खुली जगह पे चलेंगे कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। का तो भाई टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने उसमें देख ही लिया होगा जब मैं ट्रैक पे लेके गया था, मतलब पूरे नज़ारे लिए थे बाइक के। बाकी इसके स्लिक टायर्स आ गए हैं, वो लग जाएंगे बाइक के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इसकी बॉडी भी मैंने मंगवाई हुई है बाहर से, पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, टंकी टेल मरगाड़ मड फ्लैप। फेयरिंग में एक ही लाइट्स नहीं है जो मैंने बाहर से मंगवाई है, वो मतलब प्रॉपर ट्रैक के लिए ही है। फिर उसके बाद बिल्कुल खुले दिल से चलाएंगे, अभी थोड़ा डर लगता है, लीन वगैरह करने में भी ना थोड़ा सा कतरा रहा था हमको, मैं सीरियसली बताऊँ जितना मेरे अंदर हौसला है उससे कम कर रहा था। रीज़न कि बाइक में एक तो स्लिक टायर्स नहीं थे स्टॉक टायर्स से, मेन सबसे बड़ा इशू कि बाइक स्लिप ना हो जाए, क्योंकि इसमें स्टॉक टायर्स से इसको मैं और पावरफुल बनाने लगा हूँ। और पावरफुल कैसे बनेगी, इसके अंदर लगने वाला डायनो जेट का ओवर कमांडर लगवा रहा हूँ मैं इसके अंदर, फिर बाइक जाएगी 300 प्लस, मतलब 325-320 जाएगी। जो ट्रैक का बैक स्ट्रेच है वो सबसे लंबा है जो हम ट्रैक करते हैं, हमारा छठा गियर बिल्कुल एंड में जाके पड़ता है, 295 के अराउंड होती है। हम ट्रैक भी करें पांचवें गियर पे ना 300 टच होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो रही कि पांचवें गियर पे ऊपर लाइट आने लग जाती है, ब्लिंक करने लग जाती है। उसके बाद मैं सिक्स गियर लगा देता हूँ, बट मेरी पांचवें पे ही जानी चाहिए, मतलब लगाओगे जल्दी ख़त्म होना चाहिए गियर, तो मुझे बाइक के अंदर और ज़्यादा पावर बढ़वानी है BMW में। बाकी इसकी बात करें, बाइक को आप बहुत प्यार दे रहे हो नेकेड को, मैंने सिर्फ इसको एंजॉय करने के लिए लिया है। जैसे कि रंधावा साहब भी हमारे साथ राइड पे चलते हैं, जैसे हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि हम ग्रुप के साथ जाएं, रंधावा साहब ना पीछे रह जाते थे,
तो इसलिए मैंने सोचा था कि भाई हम बाइक ऐसी लें कि रंधावा साहब जिसके हमारे साथ रह पाएँ, क्योंकि R15 वो एक दो बारी लेके गया है और बुलेट लेके जाने के लिए मैंने मना करा क्योंकि बुलेट एक टूर से चलाने वाली चीज़ है, इसलिए मैं मना कर देता हूँ कि भाई देखो मैं बाइक्स भगाता भी हूँ ना, एक साल का या दो साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी पहले से चला रहा हूँ बाइक्स और सुपर बाइक चलाते को भी काफ़ी वक्त हो गया, क्योंकि यार देखो इन बाइक्स को कंट्रोल करना है ना तो सबसे पहले ना आपको छोटी बाइक्स पे हाथ बिठाना पड़ेगा। जैसे KTM 390 ले सकता है जो जिन्होंने सुपर बाइक लेने की सोच रहे हैं, जो अपनी अपनी नींव मजबूत करना चाहते हैं, तो भाई नहीं तो होगा कुछ नहीं, पावरफुल गाड़ियाँ तुम्हारे हाथ में लग जाएगी, अब भगा तो लोगे क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अपने थ्रॉटल करना है, ये बाइक ने भाग बढ़ना है, बट वो कंट्रोल करने के लिए ये नहीं पता कि लोगों को कंट्रोल कैसे होगी। रंधावा साहब को भी सबसे पहले मैंने सुपर बाइक का यही चीज़ समझाई थी, मैंने कहा भाई देखो बाइक को भगाना तो भाई कोई भी भगा सकता है, रेस देनी है तो भाग जाइए भाई, बट उसको तुम्हें कंट्रोल कैसे करना है वो तुमने देखना है कि बाइक को तुम कंट्रोल कैसे कर सकते हो, कंट्रोल नहीं होती तो बाइक लग जाती है, ठुक जाती है। तो वो बाइक को कभी भी चलाना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर पर चलाना है आपको, 6 के 6 गियर नहीं डाल देने, 5 के 5 नहीं डाल देने, कि नॉर्मल बाइक की तरह इसको नहीं चलाना। सेकंड गियर हमने जैसे ही खींचा बाइक का, रेस छोड़ देनी है तो इसकी इंजन ब्रेकिंग काम करेगी। ये चीज़ें हमें ट्रैक पे भी सिखाई गई थी, कोशिश करनी है इंजन की पावर से बाइक को रोकना है। भाई इसकी चैन देखो कितनी चमक रही है, देखो इसको मैं रात को ही चैन लूप करी है और बाइक इतनी चमचम कर रही थी ना रात को, मैं उसके वर्क से गया हुआ था तो मैं बहुत टायर्ड हो गया था, आके मैं 9 बजे सो गया, जब मैं 12 बजे के करीब उठा हूँ, 11:30-12 बजे उठा हूँ, वो बोल रहे कि थ्रॉटल देके दिखाओ, जो मेरा होममेड है, मेरी बाइक बाहर से चल के आती है ना खड़ी होते ही उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको भी प्यार है बाइक से, वो बाइक को साफ कर देता फटाफट। ट्रली इतनी चमक रही थी ना दोनों, ऐसे चमक रही थी, मैंने कहा यार क्या लग रही है, मेरे मुंह से वाह निकला, वाह क्या लग रही है। वैसे नहीं तो मैं इतनी जल्दी खोता नहीं भाई किसी चीज़ में, ना मुझे इतनी जल्दी पसंद आती चीज़ें, पसंद आ गई थी रात को, मैंने कहा भाई कभी नहीं बेचूंगा इसको, तो कभी भी नहीं सेल आउट करूंगा BMW को, तो इतनी सक्सी लग रही थी ना। उसके बाद पता लगा कि रंधावा साहब ने पॉलिश वॉलिश मार के ओके रिपोर्ट करी हुई, मैंने साफ तो पहले ही करवा दी थी वैसे बाइक, उसके बाद जब ये आया तो कहता नहीं भाई वो ना इसके टायर वगैरह में थोड़ी कमी लग रही थी तो इसलिए मैंने पॉलिश वगैरह दोबारा मार दी। तो ये भी बहुत ख्याल रखता है मतलब बाइक्स का, और थोड़ा सा मज़े लेते हैं रंधावा साहब के साथ, बोलते हैं आ जाओ भाई रेस लगाओगे, भाई रेस लगाओगे, रेस लगाओगे। हाँ सुनो, साउंड सुनना, आप देखना रंधावा साहब पंप हुए बड़े, आराम से आराम से आराम से आराम से। वो देखो ये कितनी बढ़िया चीज कर रहा है, बाइक को खींच रहा है, खींचने के बाद ना ब्रेक देखो, पीछे लाइट नहीं जल रही थी, इसने इंजन की ब्रेकिंग से कंट्रोल करी है गाड़ी, तो मतलब इसको बाइक चलानी आ गई है प्रॉपरली, क्योंकि यार ये बाइक को मैं ना हाथ बिठाना मजे लेते हैं, फिर दोबारा आ जाओ कट मार के निकलते हैं इसको आगे, देखते हैं अब क्या करता है। भाई बहुत ज़्यादा, भाई देखा ना गियर छोटा होता तो कितनी बढ़िया आवाज़ आती है, इसको बोलता हूँ कि गियर छोटा करना, देखना साउंड कितनी प्यारी आती है, इसको बोलता हूँ आज हम थोड़ी सी जल्दी राइड खत्म कर लिए, नहीं तो 12:30 हो जाते हैं मुझे। आपके भाई के 9,60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई, फटाफट 1 मिलियन करवाओ, मेरा तो ये टारगेट है कि दिसंबर में मैं ये टारगेट कम्प्लीट कर दूँ। खिचड़ी भाई, भाई ये गियर छोटे हो रहे हैं, देख रहे हो कितनी बढ़िया आवाज़ आती है, अब देखना गियर छोटे होंगे। जब इसके गियर छोटे होते हैं ना बहुत सही आवाज आती है, अभी ना ये अभी थोड़ा रोड वैसा नहीं है, जैसे हम बाइक को खींच के जब गियर डालते हैं तब भी बहुत सही आवाज आती है पटाखों की, और जब गियर डाउन करते हैं तो तब भी बहुत सही आवाज आती है, और ये है BMW GT, बढ़िया लग रही है। तो भाई हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे 9,60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1 मिलियन करवा दो मेरे जनवरी से पहले पहले 1 मिलियन हो जाते हैं, मैं GoPro गिव अवे करूँगा। इस बंदे को ज़रूरत है जो मोटो व्लॉगिंग करना चाहता है, और सारी चीज़ें गाइडेंस मैं दूंगा। अब भाई आपके ऊपर है, जो हमने गेम सोची हुई है वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस चीज़ ने मुझे बनाया इसलिए दिसंबर के अंदर अंदर मैं बोल रहा हूँ मेरे 1 मिलियन हो जाते हैं, तो भाई तुम्हारा भाई GoPro गिव अवे करेगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना सपोर्ट दिखा रहे हो ना, 9 लाख के बाद 60,000 सब्सक्राइबर पता नहीं कैसे बढ़ गए, पता भी नहीं लगा। और यार आजकल तो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर रहा, ज़्यादा नहीं है 40,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता आप करवा दोगे फटाफट, ने ज़ुबान दे दी है पक्का रहेगा, जनवरी से पहले पहले 1 मिलियन करवा दो। चलो भाई बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, पहले आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ इसकी।
बस 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 ठीक है भाई, आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।